खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण में बॉयज नरकटियागंज मेंबर्स फाउंडेशन द्वारा विजयदशमी के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य भंडारे का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने फीता काटकर मां जगदम्बा की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना कर और शस्त्र पूजन कर किया। सतीश चंद्र दुबे को सम्मानित किया गया। वहीं सीबीएम फाउंडेशन के संस्थापक कुनार जायसवाल और विक्की जायसवाल ने मंत्री सतीश चंद्र दुबे को सम्मानित भी किया। विशाल भंडारे में सभापति रीना देवी, उपसभापति पूनम देवी आदि ने कुमारी पूजन कर माता के कुमारी रूप में आशीर्वाद लिया और उन कुमारी माताओं के चरणों में उपहार भेंट किया। भव्य भंडारे का संचालन शिक्षक कवि साहित्यकार मुकुंद मुरारी राम ने किया। सीबीएम फाउंडेशन परिवार के विशाल भंडारे में अपना सहयोग देने वाले व्यवसायी मनोज जायसवाल, दीपक गुप्ता, राकेश कुमार, राजेश जायसवाल, शिक्षाविद छोटेलाल प्रसाद, पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा पासवान आदि कई लोग उपस्थित हुए। वही आपको बता दें कि चीनी मिल रोड स्थित एंथम द फिटनेस जिम के सामने आयोजित इस विशाल भंडारे में सुबह से रात्रि 11 बजे तक लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। के दिन भंडारा का आयोजन किया सीएम ग्रुप के द्वारा, क्या कहना चाहिएगा? सीजन फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, कुणाल जायसवाल के नेतृत्व में, विक्की जायसवाल के नेतृत्व में। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आज विजयदशमी के अवसर पर जो असत्य पर सत्य को जो विजय हुआ है, उसमें आज यो या सीबीएम फाउंडेशन की तरफ से जो लंगर का व्यवस्था किया गया है, चाहे सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, हमेशा सीबीएम का योगदान रहा है। हम लोग का आशा है कि इससे और बेहतर कर हम लोग का हमेशा सहयोग है। ये तो बच्चों का बड़प्पन है हमारा कि वो लोग निरंतर आगे रहते हैं, निरंतर कुछ कुछ बताते रहते हैं कि भैया ये चीज़ होना चाहिए, हमारे समाज में ये बदलाव होना चाहिए। जो जितना सक्षम है वो उस हिसाब से हमारा लड़का सब अपना कार्य करता है और हम लोग उनके साथ मिलजुल के बच्चे वो आगे नया नया चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारे चेंजिंग हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। वो बताते हैं कि भैया आज ऐसा होना चाहिए, जो बताते हैं उस हिसाब से उनका काम होता है। अधिकतर हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।